दोस्तों ये है 1K के अंडर आने वाला एक स्पीकर और ये है एक माइक्रोफोन जो माइक है जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप ब्लॉगिंग करते हैं या किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और एक वायर्ड आपको माइक्रोफोन चाहिए माइक चाहिए तो ये एक बोया का माइक है जो अंडर 1K आता है और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी इसको कैच करता है। तो ये इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और जितने में ये आता है क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और दोस्तों दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है ये स्पीकर जो अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल चल रहा है, ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और इसीलिए मैंने एक ये स्पीकर परचेज़ किया है जो कि बहुत ही 649 रुपीज़ का आता है, लगभग 650 रुपये, 1 रुपये का डिफरेंस है और 600 रुपये के हिसाब से ये आपको कैसा देखने को मिलता है अभी हम इस पर बात करेंगे। और 600 रुपये के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं कि आपको 1K के अंदर ये जो दोनों चीज़ है वो कैसा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला पार्सल जिसमें है बहुत ही बजट फ्रेंडली आपका स्पीकर और मैंने इसका टेप को पहले ही हटा दिया है तो अब निकालना ही बाकी है, निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला स्पीकर है बहुत ही सस्ते मिल रहा है और मुझे मिला है ये 649 रुपये का और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ये ब्लूटूथ है जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स पर। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है, वैसे तो ये योटो कंपनी की तरफ से है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांडिंग है। इसमें आपको SSD कार्ड लगाने का स्लॉट दिख जाता है, इसमें वायरलेस भी है, वायरलेस का मतलब ये नहीं वाईफाई सपोर्ट करता है, एक्चुअली ये ब्लूटूथ वाला है और इसमें एक ऑक्स इनपुट भी देखने को मिल जाता है और आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो और ये ब्लूटूथ तो वर्क करता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स है इसका और दोस्तों 650 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही है। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दे रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, 4.2 ब्लूटूथ वर्जन है, हाईफाई साउंड स्टीरियो जो भी दे रखा है तो देखते हैं। और इसमें दोस्तों ये इनबिल्ट बैटरी, इसमें बैटरी भी है जो रिचार्जेबल है, तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि 650 रुपये में जो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है क्या ये सही प्रोडक्ट भी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल हैं, आपको 1K के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती देखने को। तो दोस्तों ये है इसका बॉक्स का जो इंटरनल कंटेंट है, इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों ये एक केबल देखने को मिल जाता है आपको इसमें और ये केबल जो है USB 2 माइक्रो USB है और केबल की क्वालिटी अच्छी खासी लग रही है मुझे तो देख के, आप जैसा कि देख सकते हो अपने स्क्रीन पर अच्छी खासी क्वालिटी है केबल की। तो एक ये देखने को मिल जाता है और आपके पास ये जो स्पीकर है एक ये देखने को मिल जाता है, दोस्तों देख सकते हो आप ये एक कैरी करने के लिए भी है, बहुत अच्छा है और यहाँ पर आप अपना जो स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट करने के बाद रख सकते हो, तो लाइक पार्टी टाइप का हो गया ये बाहर जब आप ट्रिंक करते हो। दोस्तों अब और इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको रखते हैं हम साइड में। और ये रहा हमारा योटो की तरफ से आने वाला छोटू सा स्पीकर, दोस्तों आप देख सकते हो इस यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है, लेफ्ट हैंड में कुछ भी नहीं है, राइट हैंड में भी कुछ भी नहीं है, बॉटम में तो कुछ है ही नहीं और अपर में आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसके कैरी करने के लिए ये हैंडल दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ़ोन अपना कुछ इस तरह से अटैच कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो हैंगर है फ़ोन स्टैंड कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है और ये एक फ़ोन होल्डर की तरह वर्क करेगा, यानी कि आपको अपना जो फ़ोन है कनेक्ट करना है इसमें ब्लूटूथ से और फिर ऐसे यहाँ पर अटैच करके आप गाने सुन सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है ज़रा देखते हैं कि इसके पीछे में क्या क्या चीज़ दे रखा है, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता जैसा कि आप देख सकते हो। तो पीछे की तरफ हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑक्स का पोर्ट देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। ये रहा वॉल्यूम रॉकर जो स्लाइडर है, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा, ये SD कार्ड के लिए दे रखा है आपका और ये रहा आपका माइक्रो USB पोर्ट जहाँ से आपको चार्जिंग करना है, DC 5 वोल्ट का है और ये रहा आपका ऑन ऑफ का बटन जैसा कि आप देख सकते हो और ये रहा आपका एक USB पोर्ट जिसमें आपको पैन ड्राइव लगाना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको पेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन के साथ और देखते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी देखने को मिलती है। दोस्तों ये सिर्फ 600 रुपये में है, 650 रुपये का आने वाला है, तो 650 रुपये के हिसाब से हम ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी देखते हैं कि कैसे साउंड क्वालिटी, क्या हमने 650 रुपये वेस्ट तो नहीं कर दिया। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं तो तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बहुत ही लाउड लग रहा है मुझे और अभी हम बजा के देख लेते हैं इसको।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो योटो की तरफ से आने वाला है ना, ये योटो, तो ये ब्लूटूथ यहाँ पर डिटेक्ट हो गया। अब इसे हम करते हैं टैप, और तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है कि फ़िलहाल इसमें 40% बैटरी है रिमेनिंग, और इसमें अभी आपको और क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, बस यही सब चीज़ें हैं। तो अब हम इसमें ना कुछ गाने प्ले करके देखते हैं। दोस्तों अभी इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लिया जाए। दोस्तों अमेजिंग साउंड क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हो 600 रुपये के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, छोटा पैक में बड़ा धमाका टाइप है ये। जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको 600 रुपये के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा है, इजी टू कैरी है और बहुत लाइट वेट है। तो दोस्तों 600 रुपये में कुछ ऐसा आपको ब्लूटूथ डिवाइस देखने को मिल जाता है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, इवन देन आप अपने लैपटॉप के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी साउंड देखने को मिली है, और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़बरदस्त लगा है ये। तो 600 रुपये में ये बिल्कुल भी बुरा सौदा नहीं है, और आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो अगर आप कम रेट में एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहते हो जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की अमेजिंग अनबॉक्सिंग देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाले नई वीडियोज में, तब तक के लिए देखते रहें इंस्टेंट टैग। जय हिंद।